भाई तस्वीरें हैं जो आप जींद जिले के गांव निडाणी ते तस्वीरें देख लग रहे, बिल्कुल आप सभी को पता है भाई क्या निडाणी गांव का बेटा है जो देश की से का है जो बच्चों का रो रो कर बुरा हो रहा है और पत्नी को है जो अभी तिरंगा दे दिया गया सम्मान पूर्वक है जो तिरंगा उनको दे दिया गया है। तिरंगे में लिपट कर इनका पति आया था, इसी तिरंगे में लिपट कर इनका पति आया था और यही तिरंगा है जो पत्नी के हाथों में जो थमा दिया गया। तो बातचीत भी करने की कोशिश करांगे और भी पूरा हरियाणा, पूरे हरियाणा में है जो आज दुख का माहौल है क्योंकि आज फिर हमारे भारत ने जो अपना एक और जवान है जो देश की सेवा करते हुए जो उसने आतंकियों से जो आतंकी मुठभेड़ में जो वो शहादत को जो प्राप्त हो गई और अभी उनके पर उनका पार्थिव शरीर है जो उनके घर पर है जो आ चुका है। और बिल्कुल आप देख लो गए तस्वीरें, पूरे हरियाणा भर से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं और अभी उनका पार्थिव शरीर है जो उनके घर पर है जो लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल जो राजकीय सम्मान के साथ में जो उनका अंतिम संस्कार भी है जो किया जाएगा, बिल्कुल देख लग रहे हो आप तिरंगा में लिपट का है भाई। इसका बड़ा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन वही वही सम्मान भी मिला है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैं कोई भी नहीं पूछता है जो शहीद का परिवार हुआ है उसने कोई भी नहीं पूछता है। और अभी देखो भाई पार्थिव शरीर है जो शहीद कुलदीप मलिक का जो उनका घर पर है जो पहुँच चुका है। और तस्वीरों को भी शेयर जरूर करना आपने और शहीद के लिए भाई दो शब्द कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखने हैं क्योंकि भाई ये वही जवान है जो मतलब रात भर जागे हैं ताकि हम आराम तक सो सकें, हमारी हिफाजत के लिए जो ये ड्यूटी पे तैनात हों, बॉर्डर पे तैनात हुए हैं। तो हमारा भी फर्ज बना है कि हम भी इनके सम्मान में है जो दो शब्द ज़रूर लिखा। तो बिल्कुल आप तस्वीरें जो देख लग रहे हो और बेटी आप कुलदीप मलिक शहीद कुलदीप मलिक की बेटी है जो आप फिलहाल देख लग रहे हो क्योंकि बताया है कि गांव वालों ने कि उनके दो लड़के लड़के हैं, एक बेटी उन्होंने गोद ली थी और शायद यही वो बेटी है। और बेटी का भी भाई रो रो कर बुरा हाल हो रहे हैं क्योंकि भाई बुरा हाल होना भी जायज है क्योंकि एक दर्दनाक घटना है जो इनके साथ में घटी है। वहीं बहुत खुशी की बात भी है कि इन्होंने अपना मतलब बेटा है जो इस माँ ने अपना बेटा जो आप देख लग रहे हो शहीद कुलदीप मलिक की माँ को देख लग रहे हो, बिल्कुल बुजुर्ग महिला है लेकिन इनको अपने बेटे पर बहुत गर्व है। इनका कहना है कि ऐसा बेटा भगवान सभी को दे, ऐसा लाल सभी को दे। और अंतिम दर्शन के लिए है जो अभी शहीद कुलदीप मलिक के अंतिम दर्शन के लिए जो लोग देख लग रहे भी उनके अंतिम दर्शन है जो करने लग रहे हैं और अभी उनको राज के सम्मान के साथ में जो सलामी भी दी जाएगी। और भी देख लग रहे तस्वीरें बिल्कुल आप गांव में जो आज चूल्हा तक नहीं जलाए क्योंकि भाई पूरे गांव में जो दुख का माहौल है। कुलदीप मलिक शहीद कुलदीप मलिक के दो बेटे हैं और दोनों बेटे हैं जो स्कूल में हैं और उनके पुत्रवधु है जो पुत्रवधु वो डॉक्टर हैं और एक साल की पोती है जो भाई उनकी एक साल की पोती भी है जो उनके अंतिम दर्शन के लिए है जो उनकी थी छोटी सी गुड़िया बिल्कुल भी और बिल्कुल भी अभी देख रहे तिरंगा आप उनके पार्थिव शरीर पर है जो लपेट किया गया है। और अभी राज के सम्मान के साथ में जो उनको सलामी दी जाएगी बिल्कुल आप देख लग रहे पूरा गांव है जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ, हरियाणा भर से लोग हैं जो उनके सम्मान में पहुँचे हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे हरियाणा भर से लोग हैं जो पहुँचे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और अभी सलामी दी जाएगी। देख लग रहे तस्वीरें बिल्कुल आप गांव निडाणी तक देख लग रहे हो, जींद जिले का गांव निडाणी से तस्वीरें हैं जो देख लग रहे हो। आज
एक माँ के लिए एक माँ से है जो दूर हो गया। भाई आज भारत माँ की सेवा करते हुए ये बेटा अपनी माँ से, जो जन्म देने वाली माँ से है जो, वो दूर हो गया। क्योंकि भाई परिवार की भी आंखों में आंसू है और गर्व की बात भी है, क्योंकि भाई देश की सेवा करते हुए जो कुलदीप मलिक, शहीद कुलदीप मलिक है जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी शहादत को भी बार बार है जो प्रणाम करते हैं। और आपने भी भाई शहीद के लिए दो शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। और अभी है जो भाई राजकीय सम्मान के साथ में उनको सलामी दी जा रही है, और बड़े बड़े जो नेतागण भी है जो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, सभी नेतागण हैं जो, और बड़े बड़े जो माननीय व्यक्ति हैं सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो पहुँचे हैं। और बिल्कुल तस्वीरें हैं जो आप गांव निडाने तो देख लग रहे हो, आज भारत माँ की से और अंतिम यात्रा है जो फिलहाल आप देख लग रहे हो, गांव निडाणी शहीद कुलदीप मलिक के पैतृक गांव निडाणी से तस्वीरें जो देख लग रहे हो, अंतिम यात्रा आप देख लग रहे हो शहीद कुलदीप मलिक की। और ये भाई देख लग रहे हो बिल्कुल आप बड़ी संख्या में जो लोग पहला काम बना है।